रिलीज से पहले ही 110 करोड़ की कमाई 2018 की ब्लॉकबस्टर बायोपिक। रणबीर कपूर स्टारर संजय दत्त बायोपिक 2018 की मोस्ट अवेटेड मूवी बन चुकी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, और यही वजह है कि राजकुमार हिरानी की इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को 110 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। राइट्स को फोक्स स्टार स्टूडियोज ने खरीदा है। जी हाँ, फिल्म ने रिलीज से पहले ही 110 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म का नाम फिलहाल संजू बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये बता दें कि फिल्म काफी भारी भरकम बजट में तैयार हुई है, और इंडिया में हिट होने के लिए फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 190 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी, तो वहीं दूसरे देशों में हिट होने के लिए 45 करोड़ रुपए का मिनिमम कलेक्शन करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि संजू रणबीर कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित होगी। अब तक रणबीर कपूर की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है ये जवानी है दीवानी, जो कि साल 2013 में आई थी। इस फिल्म ने टोटल 190 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, क्योंकि 2016 के बाद से रणबीर एक हिट फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद ये फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। आपको बता दें कि संजू की कहानी लिखी है राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने। इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा परेश रावल, मनीषा कोइराला, सोनम कपूर और अनुष्का शर्मा भी दिखाई देंगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने, और इस फिल्म की रिलीजिंग डेट है 29 जून 2018।